टॉपर और नॉट कभी ना कभी हर स्टूडेंट को लेट नाइट स्टडिंग करनी पड़ती है। ये वीडियो आपको एक इंटेंस लेट नाइट स्टडी सेशन के लिए मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर करेगा। इस वीडियो का पर्पस है आपको एग्जाम के स्ट्रेस एंड एंजाइटी भरे माहौल से डिस्कनेक्ट करना एंड फुल ऑन एक्शन मोड में लाना। एंड डोंट वरी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, रात को पढ़ते वक्त नींद आती है, फोकस नहीं कर पाते, कितनी देर तक पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में एड्रेस की हैं। सो वीडियो को पूरा देखना। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सो किसी भी लेट नाइट स्टडी सेशन से पहले अगर आप कोई एक चीज कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट वॉकिंग इन द मूनलाइट और स्टेइंग अंडर द मूनलाइट फॉर सम टाइम। मैं खुद ये करती हूँ, स्पेशली ऑन दोज डेज व्हेन आई हैव टू वर्क लेट और व्हेन आई एम ओवरवर्क्ड। अगर आपके घर में बैल्कनी या ओपन टेरेस है देन इसका फायदा जरूर उठाएं। इसे आप पढ़ने से पहले काम एंड रिलैक्स्ड फील करोगे एंड इट्स अ गुड वे टू गेट रिड ऑफ सम ऑफ दैट एग्जाम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। फ्रेंड्स, वैसे अगर आप स्टूडेंट हो देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मोटिवेट एंड इंस्पायर करूँ। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। नाउ द अदर पॉइंट इज कि रात को पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स जो मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है स्लीपीनेस। या तो आप पूरे टाइम झपकियाँ लेते रहते हो या तो आप सीधा सो ही जाते हो। सो मेक श्योर कि आपका एनवायरनमेंट स्लीप फ्रेंडली नहीं, स्टडी फ्रेंडली हो। For this, I would suggest dressing into comfortable but not too comfortable clothes. Pajamas या house clothes आपके brain को comfort, relaxation and sleep के signals देते हैं. So use this theory to your advantage and ऐसे कपड़े पहनो जो सिर्फ और सिर्फ studies के लिए dedicated हो. इस तरह के study triggers आपके mind को directly productivity mode में ले आते हैं. Also, bed पर पढ़ने की गलती मत करना, study only on a desk. सेकेंड थिंग जो आप अपने एनवायरनमेंट को स्टडी फ्रेंडली बनाने के लिए कर सकते हो इज टू स्विच ऑन द लाइट्स। लाइट का आपके इंटरनल क्लॉक यानी स्लीप और वेक साइकिल पर एक पावरफुल इम्पैक्ट होता है। इससे ब्रेन को लगता है कि अभी सोने का समय नहीं है। सो डेफिनेटली हैव लॉट्स ऑफ लाइट्स ऑन। थर्ड थिंग वुड बी टू यूज सम स्टडी फ्रेंडली एम्बियंस म्यूजिक। आप YouTube पे स्टडी फ्रेंडली बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर सकते हो जिसमें रेन साउंड्स, लाइब्रेरी या कैफे शॉप जैसे साउंड्स हो। ये सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज की तरह प्ले होते हैं टू गिव यू द फीलिंग कि आपके आसपास चहल पहल है। सो आपको बोर्डम या सन्नाटा नहीं फील होगा एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज योर फोकस। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि पढ़ने से पहले कोई हैवी मील्स ना लें। डिनर में कुछ लाइट खाएं जिससे आपका स्टमक लाइट रहे एंड आपको बैठ कर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वे ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस। अनफॉर्चुनेटली आजकल ज्यादातर स्टूडेंट्स स्क्रीन के सामने पढ़ते हैं एंड क्योंकि एग्जाम टाइम में ये चीज और बढ़ जाती है तो आंखों पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। हेडेक एंड इरिटेशन की वजह से आप ठीक से फोकस भी नहीं कर पाते। सो आई वुड सजेस्ट टू प्लीज यूज ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस या फिर आप लाइट वेट येलो सन ग्लासेस भी यूज कर सकते हो। इससे आपकी आंखें प्रोटेक्टेड रहेंगी एंड आप पूरे कम्फर्ट के साथ फोकस भी कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपने आप को फ्यूल्ड रखना। पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा भूख लगती है। इफ यू अग्री, हिट द लाइक बटन राइट नाउ, क्योंकि इस वक्त ब्रेन सबसे ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर रहा होता है। सो ईट फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, डार्क चॉकलेट, प्रोटीन बार्स और मूसली बार्स। यू कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस और स्मूदीज टू कीप योर माइंड फ्रेश व्हाइल स्टडिंग। नाउ अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आपको रात को कॉफी पीनी चाहिए, देन यू नो कि मैं नो ही बोलूंगी, बिकॉज पहली बात आपको पूरी रात जागना नहीं है एंड दूसरी बात कैफीन से आप एंशियस फील कर सकते हो। सो ड्यूरिंग योर लेट नाइट स्टडीज अवॉइड कैफीन एट ऑल कॉस्ट। नाउ आफ्टर हैविंग सक्सेसफुली क्रिएटेड अ स्टडी फ्रेंडली एनवायरनमेंट, यू नीड टू फोकस ऑन गेटिंग थिंग्स डन। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही होगा कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स करियर ग्रोथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश समझ लेते हो, लिख लेते हो, लेकिन इंग्लिश में फ्लुएंटली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी जिसका नाम है Cambly ऐप। Cambly एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप यूके और यूएसए जैसे कंट्रीज के ट्यूटर्स से वन ऑन वन प्राइवेट क्लासेस ले सकते हो। इन्होंने रिसेंटली ग्रुप क्लासेस भी लॉन्च की हैं जो और भी अफोर्डेबल है। 60 मिनट्स के ग्रुप डिस्कशंस जिसमें एक ट्यूटर और दो स्टूडेंट्स होंगे एंड न्यूज, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर जैसे टॉपिक्स पे बातें होंगी। अगर आप 5 मिनट भी इंग्लिश बोलने में घबराते हो देन डेफिनेटली ट्राई Cambly, क्योंकि एक बहुत ही फ्रेंडली और नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसे आप बिना किसी डर के खुलकर एक्सप्रेस कर पाओगे। न्यू ईयर लॉन्च पे यहाँ आपको 45% तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है जो कि पहले मंथ के लिए वैलिड होगा। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इनकी क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हो। Cambly ऐप को जरूर ट्राई करें, इससे आपकी इंग्लिश बोलने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी।
कमिंग बैक टू स्टडीइंग, नाउ द फर्स्ट थिंग जो किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी है वो है पढ़ाई के लिए एक फिक्स टाइम डिसाइड करना। यू नीड टू नो कि आपकी लेट नाइट स्टडीज एग्जैक्टली कितने बजे शुरू होगी। अगर आप आने वाले कुछ दिनों में लेट नाइट स्टडीइंग करने वाले हो, देन आज से ही डिसाइड कर लो कि एट व्हाट टाइम यू विल स्टार्ट योर स्टडीज। दिस इज टू एंश्योर कि आप डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल में ना फंसो एंड आपको रोज इसी टाइम पर पढ़ने बैठने की आदत हो जाए। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने घर के सभी लोगों के सोने से पहले पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि कितना बुरा लगता है जब सब सोने जा रहे होते हैं और आपको पढ़ने बैठना पड़ता है। So start studying before everyone's asleep. The other thing is that you need to have study targets. Just like दिन की शुरुआत में हम खुद को remind करते हैं कि आज की priorities क्या हैं या आज की targets क्या हैं, so in the same way, always know your study targets for each study session. आपको आपके study time से पहले ही figure out कर लेना है कि what you're studying next. साथ ही आप अपने books and notebooks भी पहले से अपने study table पर arrange कर लो, so that you're all set to study. Next is to use active recall. Look, अगर आप सिर्फ read, highlight and memorize करोगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। Study actively. आप जो भी read करते हो उसे अपने शब्दों में खुद को explain करने की कोशिश करो। Ask yourself questions और answer questions at the end of each chapter. Visualize करो या answers से connected stories अपने दिमाग में create करो। One tip जो आप पढ़ते वक्त apply कर सकते हो is to take a sheet of paper and उसमें flowchart के form में headers, subheaders and key points note करते जाओ। This will serve as a motivational trigger. In an attempt to finish the flowchart, आप पूरा chapter पढ़ लोगे। इससे आपको नींद भी नहीं आएगी and आपके notes भी बन जाएंगे। Now if you'll ask me कि क्या आपको पूरी रात जाग कर पढ़ना चाहिए, then I would say no. Because इससे आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आपने जो भी चीजें याद की हैं, उनको अपनी मेमोरी में सील करने के लिए आपको सोना पड़ेगा। सो इवन इफ आपको लेट नाइट स्टडीज करनी हो, देन 2 बजे तक का टाइम इनफ है। स्टार्ट अराउंड 9-9:30, बीच में एक आध ब्रेक्स लो एंड रैप अप बाय 2 AM। आई डोंट थिंक इसके बाद कोई सीरियसली पढ़ भी पाएगा। सो आई होप आपको ये लेट नाइट स्टडी रूटीन हेल्पफुल लगी। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स वॉट इज योर फेवरेट टाइम टू स्टडी। Hit like and subscribe if you haven't already and jab bhi time mile mere second channel That's Why ke videos ko bhi check out karna. I would really appreciate your support. Link description ya pinned comment mein mil jayega. Thanks for watching and stay focused.